मैदा, मैदा सूजी का रोटी बनाएंगे। देखिए पुआ को डालने जा रहे हैं अपन, सूजी मैदा और बहुत मैदा मोती बहुत सुन। हेलो दोस्तों, किशुन पिंकी ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं आज हम लोग, पुआ बनाएंगे। का लक्ष्मण जी? हम लक्ष्मण है और अथी सब अथी मोती भी है, सब हम लोग बना रहे हैं आज स्पेशल। दिखाते हैं अभी, देखिएगा वीडियो में कैसा पुआ बनता है, कैसा पुआ बनता है दिखाएंगे अभी हम लोग। बैचलर जिंदगी में मस्ती से पुआ बनाते हैं हम लोग साथ में मिल के सबको, और खाते हैं हम दोनों फैमिली टाइप का। अपन बैठ के खाए हैं, खाएंगे अपन सब, उधर बनाए हैं अपन पुआ मैदा। तो आगे आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा, दिखाएंगे आप लोग को कैसे हम लोग पुआ बनाते हैं आज। उनका सब होता है इसलिए बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। अभी सूजी मैदा का रोटी बनाएंगे, उसमें अभी हम लोग गर्म पानी कर लिए हैं और इसमें अभी डालने जा रहे हैं। देखिए कौन सी है, देखिए दोस्तों उसमें मैदा डालने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं डाल रहे हैं। देखिए मैदा, मैदा सूजी का रोटी बनाएंगे। देखिए गर्म पानी है, थोड़ा हल्का हल्का उसमें गर्म है, पूरा गर्म नहीं है, हल्का हल्का गर्म है। देखिए लाए हैं इधर मैदा था, ये सूजी है, दो पैकेट है, हाफ के जी है। चीनी भी लाए हैं, रिफाइन भी लाए हैं, इसको भी डालिए देते हैं। देखिए डालने जा रहे हैं अभी इसको, देखते हैं बनाते हैं कैसा बनता है। अभी एक ही डालते हैं, चलाते हैं अभी चलाने वाला। देखिए मिला रहे हैं, तो इसमें गड्ढा गड्ढा बनेगा तब बनेगा पुआ अच्छा से। देखिए मिला रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, देखिए थोड़ा हल्का हल्का मतलब गड्ढा टाइप का बनाएंगे तब उठेगा अच्छा से। ये फूलेगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, सूजी मैदा है ना, फूलने में भी टाइम लगता है थोड़ा इसको। देखिए दोस्तों, धर्मेंद्र भैया ने पुआ रोटी फर्स्ट रोटी छाँक के और निकाल दिए हैं, और ये कढ़ाई देखिए इधर गर्म हो रहा है तेल, अग्निदेव को चढ़ाते हैं हम लोग फर्स्ट रोटी, उसके बाद सब अपना खजाना में डालेंगे। तो दोनों कढ़ाई में पुआ रोटी का मत दे दिए हैं, मैदा और सूजी जो मिक्स करके हम लोग दिए थे, दिखा दिए थे पहले आपको जो रखे थे, और देखिए दोनों में से निकल रहा है, दो दो रोटी एक एक साथ निकलेगा हम लोग को, और काफ़ी मस्ती से खाएंगे आज, और आप लोग को भी खिलाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, देखिए कैसे फूल कैसी हो गया मलपुआ। देखिए बन के तैयार हो गया है, कुछ देर में बन के कंप्लीट हो जाएगा, खाएंगे तो दिखाएंगे अभी कैसा लग रहा है। वैसे तो खाने खा लिए पहले ही, अच्छा ही लग रहा है, सूजी मैदा की रोटी है ना, स्वादिष्ट भी बनता है, थोड़ा इसमें किशमिश थोड़ा डालने भूल गए हैं तो अच्छा बनता। देखिए गैस में बना रहे हैं, देखिए लक्ष्मण जी है, धर्मेंद्र जी है, मोती का रूम में बना रहे हैं। मोती भाग गया है, किधर चल गया है, छोटा ही सा रूम है, किचन रूम, उसी में बना रहे हैं हम लोग मिल के पुआ रोटी। देखिए दोस्तों, हम लोग का पुआ बन के तैयार हो गया है, कुछ अभी बन गया, कुछ बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, देख लीजिए थोड़ा बाकी है। दो जगह दो कढ़ाई में उठ रहा है पुआ, तो बहुत सुंदर लग रहा था खाने में, सूजी मैदा का तो अच्छा लगवे करता है, आप लोग जानवे कर रहे हैं। देखिए बना रहे हैं गैस में, रांची में भी बना रहे हैं हम लोग, बेतला रात में भी बनाने सीखे हैं अपन, जो लड़की सब बनाता है वो लड़का सब बना रहा है पुआ अभी। देखिए अपन पुआ पलटा रहे हैं, देख लीजिए बन के तैयार हो गया है पुआ, कुछ देर में पूरे बन जाएगा। एक डालने जा रहे हैं सूजी मैदा का रोटी, पुआ बना रहे हैं स्पेशल अपन बना रहे हैं, बेहतर राइट में फर्स्ट बार कहीं देखे होंगे कि सूजी मैदा का पुआ बनता है,
हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं सूजी मैदा का पुआ, देखिए एक बन गया, सब उठा उठा खाते जा रहा है, इसलिए कम होते जा रहा है, यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है। और देखिए उठ रहा, देख लीजिए कितना अच्छा भी आवाज भी दे रहा है एकदम, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है, तेल भी एकदम पूरा एकदम हीट है। और देखिए यहाँ पर बचा हुआ भी बहुत अभी निकलेगा, यहाँ पर यहाँ भी बचा हुआ है अभी बन, देखिए फूल अभी पूरा फूल जाता है, पूरा एकदम पूरा फूल के बड़ा हो जाता है पुआ। सूजी मैदा और अति मिलाए चीनी दिए हैं गर्म पानी के साथ घोल के, हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं बनाने का, कोशिश कर रहे हैं। अब देखे बना के तो ठीक ही लगा खाने में, खा के भी ट्राई कर चुके हैं। और भैया का चेयर भी बहुत बढ़िया है। हाँ चेयर भी बहुत अच्छा है, देखिए तकिया ले ली है, हेलमेट भी है, क्या करेगा बेरोजगार आदमी क्या करेगा, कुर्सी भी नहीं इसलिए हेलमेट में बैठ गए हैं। देखिए दोस्तों यार डालने जा रहे हैं अभी, देखिए पुआ को डालने जा रहे हैं एकदम, भुजिया मैदा आटा का साथ बनाए हैं, देखिए देखिए दोस्तों लक्ष्मण जी पका रहे हैं अभी पुआ, लक्ष्मण जी पका रहे हैं अभी, देखिए लक्ष्मण पुआ पका रहा है, बन के तैयार हो गया है, देखिए फिर डालने जा रहा है। धर्मेंद्र जी वो तभी पकाए थे खड़ा होकर, उसका गैस ख़त्म हो गया, तो फिर हम इधर अपना रूम ले आए हैं बनाने के लिए, देखिए निकाल लिए हैं। फर्स्ट टाइम लड़का है सब पुआ बना रहा है, सब लेडीज सब बनाता है पुआ, नहीं हम लोग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा आवाज़ दे रहा है, देखिए पुआ का भी कलर कितना अच्छा है। देखिए दोस्तों ये लास्ट रोटी है, उठा रहे एक लास्ट रोटी है बस, इसका बस खत्म हो गया है, 3 घंटा बनाने में लग गया हम लोग का लगभग, देखिए लास्ट रोटी है बस खत्म हो गया है, बहुत ही मेहनत से बनाना पड़ा है, और इसमें पानी डाल देते हैं ना तो फिर छूटेगा नहीं, हम लोग का धोना पड़ेगा सर सुबह ही फिर, ये लास्ट है बस खत्म हो गया, देख लीजिए इधर रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इतना जमा हो चुका है और इतना खा चुके हैं हम लोग, इतना जमा हुआ और इतना खा चुके हैं, देखिए ये लास्ट है बस तो पास कर नहीं है, देखिए एकदम ये लास्ट है, देखिए तो पलटा रहे हैं, देखिए लास्ट रोटी है एकदम, ये भी बन के कम्प्लीट हो गया, देखिए किस तरह फूल रहा है, देखिए एकदम पूरा फूल गया है, बहुत ही सुंदर बनता है सूजी मैदा की रोटी, कभी आप लोग भी बनाइए, बेहतर रहा, हम लोग फर्स्ट बार बना रहे हैं, अभी खा के दिखाएंगे अभी कुछ देर में। सूजी मैदा की रोटी बनाए हैं, देख रहे हैं खा के कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है जी लक्ष्मण? बहुत मजा मोती, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों, जो खाने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए कितना अच्छा फूला है, गोल गोल फूला, देख लीजिए एकदम, देखिए पूरा गोल गोल फूला एकदम बनाए हैं मैदा सूजी रोटी, तो बहुत ही अच्छा लगता है एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा स्वादिष्ट खाने में, कुछ बोलिए जी अभी थोड़ा, बहुत मजा लग रहा है खाने, पहली बार खा रहे हैं पुआ रोटी, पुआ रोटी पहली बार खा रहे हैं ना, पहले से बना के पुआ रोटी खा रहे हैं, बहुत ही मजा लग रहा है, बेहतर रहा बना खा रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज अपना से बनाना से अच्छा ही लगता है, थोड़ा अच्छा ही लग रहा है पूरा, अच्छा तो लगता है, हम तो 15 रोटी पार कर चुके हैं, 15 रोटी खा ली, 3 रोटी खाए हैं मोती, क्यों खाए जी 10 को खा लिया मोती, बहुत मजा लग रहा है, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा हम लोग का, जान लीजिए खाने का भी आइडिया, तेल नहीं पेट भी खराब करेगा, सीधा फाड़िए और 3 किस्त में खाना पड़ेगा, आप लोग भी अगर बेहतर वाले हैं फैमिली वाले तो जरूर ट्राई कीजिए, मैदा सूजी का रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, उसमें किशमिश भी डाल दीजिएगा, थोड़ा गड्ढी भी डाल दीजिएगा तो और अच्छा स्वादिष्ट बढ़ जाता है मात्रा में मदन, तो दोस्तों आप लोग वीडियो देख के बनाइएगा पुआ रोटी, तो पुआ रोटी बनाने के बाद कैसा लगता है मेरा वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा, कैसा खाने में मजा आता है सब, यार बना के खा के जरूर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।